अरे दया, क्या हुआ? धीरे से बोलिए। क्यों? टप्पू पढ़ाई कर रहा है, आप मानोगे नहीं, सुबह के 4 बजे उठ गया था। अच्छा। हाँ, फिर पानी पीकर सो गया। अभी आधे घंटे पहले ही पढ़ने के लिए बैठा है, तो आप बिल्कुल आवाज मत करना। कोई मुझे संगी के पढ़ने देगा? बेटिया, जब तक टप्पू की परीक्षा पूरी नहीं हो जाती, मुझे घर में एक भी आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। जी बापूजी। जी बापूजी, सॉरी। क्या भी पागल हो गए तू? अरे आप आए, मेरा चाय नाश्ता किधर? उसके लिए बुला रहा था। अंदर आ। तो क्या कर रही है? कहाँ है मेरा चाय नाश्ता? आपका चाय नाश्ता बाहर है। ठीक है, बाहर खटिया पे बैठता हूँ, लेके आ। नहीं नहीं, बाहर मतलब रिक्शा करके जाना पड़े उतना बाहर। आज आप सिटी भाई की होटल में चाय नाश्ता कर लीजिए ना। क्यों? देखिए, आज टप्पू को चीज पराठे खाने थे, तो मैं बनाने ही वाली थी। फ्रिज खोला तो उसमें चीज नहीं थी, तो चीज लेने के लिए मैं अब्दुल भाई की दुकान में गई, चीज लाई, फिर मैंने चीज पराठे बनाए। तो ये सब भागदौड़ी में आपका नाश्ता बनाना रह ही गया। और हम टप्पू को खुश रखेंगे तो ही वो मन लगा कर पढ़ सकेगा ना। इसलिए सॉरी आपको आज बाहर नाश्ते के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक, मैं बाहर कर लूंगा, जाता हूँ। टप्पू, मन लगा के पढ़ाई करना, हाँ? मैं आज बाहर ही चाय नाश्ता कर लेता हूँ। बबीता जी। हाय जेठा जी। वाह, सब्जी ले रहे? I think so. मैचिंग मैचिंग सब्जी ले रहे हैं। लाल टी शर्ट पहना तो लाल टमाटर साथ में है। हाँ जी, आप भी ना। अरे मुझे तो लगा आप तो मॉल में से सब्जी लेते होंगे, आप भी इधर से लेते? अय्यर भाई के लिए यहाँ से ले रहे हैं, बराबर है, इनके लिए तो यहाँ से ही लेना अच्छा है। अरे हाँ। टप टपू के पापा। अरे अरे, अच्छा हुआ आप यहाँ पर ही है। सुनिए, दुकान से यहाँ घर पर बार बार फोन मत करना, फोन की घंटी से टप्पू को बहुत परेशानी होगी। बराबर, टप्पू की एग्जाम चल रही है ना। ठीक है ठीक है। अच्छा सुनिए, वो आते वक्त अच्छी महंगी वाली बादाम लेकर आना, वो बादाम खाने से टप्पू की याददाश्त बढ़ जाएगी। ये देखो, अरे बादाम के इंजेक्शन का काम करती है, ऐसे खाई और डर इधर याददाश्त चालू हो गई। अरे वो तो एक साल ऐसा लंबा टाइम तक खाओ तो याददाश्त पे कुछ असर होता है कि नहीं बबीता जी? अच्छा, और आप भी 2-4 बादाम खा लेना। क्यों? तो आपको भी याद रहे ना कि बादाम लेकर आना है। ऐसी है मेरी जिंदगी, देखो। ठीक है ले आऊंगा, और कुछ? हाँ हाँ, आते वक्त आपकी खर्राटे की दवाई लेकर आना। बबीता जी, कभी कभी तो इनके खर्राटे से रात को हमको नींद ही नहीं आती। आप इसकी बातों का विश्वास मत करना, ये फेकू चंद एक नंबर की। वो खुद खर्राटे मारती है तो मेरा नाम लेके अपने लिए दवाई मंगा रही है। ले आऊंगा तेरे लिए खर्राटे की दवाई, ले आऊंगा बस। अरे ऐसा कुछ नहीं बबीता जी, ये टप्पू पढ़ाई कर रहा है, डिस्टर्ब होगा, समझते नहीं है? चलो बबीता जी। ओके बाय। अरे सुनिए तो। अच्छा सकू भाई, वहाँ पर ही रहना, मैं आ रही हूँ सब्जी लेने। जल्दी आओ नीचे। हाँ हाँ, नीचे आ रही हूँ। जल्दी जल्दी सब्जी लीजिए, आज मैंने ना स्पेशल ऑफर रखा है, 1 किलो सब्जी खरीदेंगे तो 1/2 किलो सब्जी मैं फ्री में देने वाली हूँ। अरे वाह सक्कू भाई, तू भी सेल लगाने लगी, तू तो एकदम बिजनेसमैन हो गई है। ओह कम ऑन, बिजनेसमैन नहीं, बिजनेस वुमन। बाय द वे, तुम सब्जी फ्री क्यों दे रही हो? कहीं ये बासी या बिगड़ी हुई तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं,
क्या कह रही हो? ये सब्जी बासी है, ये बासी सब्जी खाकर मेरे टप्पू का पेट बिगड़ जाएगा, फिर वो ठीक तरह से पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा। हाँ, हाँ। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं दया भाभी, ये सब्जियाँ बासी नहीं है। वो क्या है ना, मैं ये डिस्काउंट इसलिए दे रही हूँ कि एग्जाम का टाइम है ना, मेरे बच्चे भी एग्जाम में बैठे हैं। ओह, क्या है ना, जल्दी जल्दी सब्जियाँ बेचूंगी तो घर पर जाकर उनको पढ़ा सकूंगी, है ना। वाह वाह वाह, तू तो मदर इंडिया है, तू धन्य है। हाँ, क्या कह रहे, अभी बच्चों को तो पढ़ाना ही चाहिए ना। बरोबर है, शिकाओ शिकाओ। एक तो ना मैं पढ़ा के डॉक्टर बनाऊंगी, सो स्वीट, और एक को इंजीनियर। शी मीन्स इंजीनियर।